हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरजीत। दोस्तों, अज दी वीडियो च आपां कंप्यूटर दे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू दी क्विज़ दा सेकंड पार्ट करांगे। हाँ जी, इस तो पहला इस क्विज़ दा फर्स्ट पार्ट अपलोड हैगा, जेकर तुसी वह पार्ट नहीं वेख्या तां अज दी वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स च तुहानू उस दा लिंक मिल जाएगा, उत्थों जाके तुसी वह वीडियो वेख सकते हो। हाँ जी, इस तों इलावा चैनल दी प्लेलिस्ट विच पंजाब वार्ड अटेंडर दी लिस्ट बनी हुई है, उस विच मैथ जीके साइंस की भी वीडियो अपलोड ने, वो भी तुसी देख सकते हो। आज दी वीडियो दी पीडीएफ तुसी साड़ी टेलीग्राम चैनल तो डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाले क्विज विच तुसी जिन्ना भी स्कोर करते हो वो अपनी ईमानदारी नाल कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो जी। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक करो, ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों के नाल शेयर जरूर करया करो जी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज दी क्विज नू। हाँ जी, अज की क्विज़ नू स्टार्ट कर तो पहला जेडे भी साथी लाइव होए ने उन्हां अगे मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट हैगी है कि प्लीज़ वीडियो नू एक बारी अपने वट्सएप ग्रुपां विच शेयर जरूर कर दो, ता जो तुहाडे जिन्ने भी फ्रेंड ने वो भी इस क्विज़ नू जॉइन कर सकन। हाँ जी, जल्दी तो जल्दी एक बारी तुसी ईमानदारी नाल वीडियो नू शेयर जरूर कर दो। हाँ जी, स्टार्ट करदे आं। फस्ट क्वेश्चन दिता होया है ई डी पी की है। हाँ जी, फस्ट क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन ने तुहाडे कोल, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुने है जी, इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग, तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ई डी पी दी फुल फॉर्म की हुंदी है, इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता होया है कंप्यूटर विच जानकारी किसनू कहिंदे हन। चार ऑप्शन ने अपने कोल, फर्स्ट हैगा जी डाटा, सैकेंड ऑप्शन हैगा नंबर, थर्ड ऑप्शन हैगा इकहत्तर किता डाटा, तो फोर्थ हैगा जी ये सारे। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुने जी, इकहत्तर किता होया डाटा, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कंप्यूटर विच जानकारी किसनू कहा जाता है, इकहत्तर किते डाटे नू कहा जाता है जी। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन हैगा इनपुट दी आउटपुट विच तब्दीली किस तरह की जाती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी तुहाडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन है तुहाडे कोल, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुने जी सी पी यू, तो तुहाडा आंसर है जरा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इनपुट की आउटपुट विच तब्दीली किस तरह की जाती है, वो सी पी यू द्वारा की जाती है जी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन अपने हैगा जी, कंप्यूटर विच जाण वाले डेटा नू की कहा जाता है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट हैगा जी एलगोरिदम, सैकेंड ऑप्शन हैगा इनपुट, थर्ड ऑप्शन हैगा जी आउटपुट, तो फोर्थ हैगा जी गणना। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुने जी इनपुट, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कंप्यूटर विच जाण वाले डेटा नू की कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन दिता होया जी, केड़ी मेमोरी विच रखिया डाटा बिजली जाण ते खत्म हो जाता है। हाँ जी, चार ऑप्शन दिते हुए ने अपने कोल, फर्स्ट हैगा जी रेम, सैकेंड ऑप्शन हैगा फ्लॉपी, थर्ड ऑप्शन हैगा जी सी डी, तो फोर्थ हैगा डिस्क। हाँ जी, आपां दसना है कि केड़ी मेमोरी विच रखिया डाटा बिजली जाण ते खत्म हो जाता है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए रेम। रेम विच रखिया डाटा जिहड़ा बिजली जाण ते खत्म हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता होया ए टी एम की है। हाँ जी, आपां दसना है कि ए टी एम की हैगा। चार ऑप्शन दिते हुए ने अपने कोल, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुने है बिना स्टाफ दे नकदी देना, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। तो ए टी एम की फुल फॉर्म की हुंदी है जी, ऑटोमैटिक टेलर मशीन। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। कंप्यूटर प्रोसैसर द्वारा डैश नू इनफॉर्मेशन विच बदलिया जाता है जी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट हैगा जी इनपुट, सैकेंड ऑप्शन हैगा डाटा, थर्ड ऑप्शन हैगा नंबर, तो फोर्थ हैगा जी सारे बयान सही ने। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुने जी डाटा, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कंप्यूटर प्रोसैसर द्वारा डाटा नू इनफॉर्मेशन विच बदलिया जाता है। हाँ जी, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर जरूर करो जी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। पहली गिणन वाली मशीन केड़ी है।
चार ऑप्शन दिए ने। फस्ट ऑप्शन है जी कैलकुलेटर, सैकेंड ऑप्शन है वक्रा इंजन, थर्ड ऑप्शन है एबाक्स, तो फोर्थ है जी घड़ी। हाँ जी, ये क्वेश्चन सारियां आता होगा कि पहली गिणन वाली मशीन केड़ी सी। तां जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुने है अबाक्स तां तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। पैकमैन नाँ का प्रसिद्ध कंप्यूटर किस लई बनाया गया सी? चार ऑप्शन दिए हुए ने। फस्ट है बैंक, सैकेंड ऑप्शन है जी स्टाक मार्केट, थर्ड ऑप्शन है खेडा, तो फोर्थ है जी किताब प्रकाशन लई। जी आपां दसना है कि पैकमैन नाँ का प्रसिद्ध कंप्यूटर किस लई बनाया गया सी। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुने खेडा तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पैकमैन नाँ का प्रसिद्ध कंप्यूटर खेडा लई बनाया गया सी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कदों बनाया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। चार ऑप्शन दिए हुए ने। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनते हो 1976 तो आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कदों बनया सी? 1976 नू बनाया गया सी। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। माइक्रो प्रोसैसर केड़ी जनरेशन का कंप्यूटर है? हाँ जी, ये क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम दे लई वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन दिए हुए ने। फस्ट है पहली पीढ़ी, सैकेंड है जी दूजी पीढ़ी, थर्ड ऑप्शन है तीजी पीढ़ी, तो फोर्थ है चौथी पीढ़ी। आपां दसना है कि माइक्रो प्रोसैसर केड़ी जनरेशन का कंप्यूटर है। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुनते हो चौथी पीढ़ी तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का साधन है? हाँ जी, आपां दसना है कि डॉट मैट्रिक्स जिहड़ा किस प्रकार का साधन है। चार ऑप्शन ने। फस्ट है प्रिंटर, सैकेंड ऑप्शन है जी स्कैनर, थर्ड है कीबोर्ड, तो फोर्थ दिता है माउस। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनते हो प्रिंटर तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का साधन है जी? प्रिंटर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता है, कीबोर्ड विच फंक्शन की दी गिनती किन्नी हुंदी है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनते हो जी 12 तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कीबोर्ड विच जिहड़े फंक्शन की हुंदे ने उन्हां दी गिनती किन्नी हुंदी है? 12 हुंदी है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता होया है, रैम किस किस्म की मेमरी है? चार ऑप्शन ने। फस्ट है बाहरी, सैकेंड है जी सहायक, थर्ड ऑप्शन है अंदरूनी, तो फोर्थ है जी मुख। जी आपां दसना है कि रैम जिहड़ी किस तरह की मेमरी हैगी है। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुनते हो मुख तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में तुसी इस दी फुल फॉर्म भी दसनी है कि रैम की फुल फॉर्म की हुंदी है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, इन्हां विचों केड़ा इनपुट उपकरण नहीं है? हाँ जी, आपां दसना है कि इन्हां विचों केड़ा इनपुट उपकरण नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए ने। फस्ट है जी मॉनिटर, सैकेंड ऑप्शन है चुंबकी टेप, थर्ड ऑप्शन है जॉयस्टिक, तो फोर्थ है जी चुंबकी डिस्क। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनते हो मॉनिटर तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इन्हां विचों मोनीटर जिहड़ा हैगा वो इनपुट उपकरण नहीं हैगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत ते काम करता है? चार ऑप्शन दिए हुए ने। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनते हो गिणती तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, डिजिटल कंप्यूटर जिहड़ा गिणती दे सिद्धांत ते काम करता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, सब तो तेज़ गति का प्रिंटर केड़ा हैगा? आपां दसना है कि सब तो तेज़ गति का प्रिंटर केड़ा हैगा। चार ऑप्शन दिए हुए ने। फस्ट है जेट प्रिंटर, सैकेंड ऑप्शन है जी लेज़र प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, तो फोर्थ है डाट प्रिंटर। जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनते हो लेज़र प्रिंटर तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, सब तो तेज़ गति का प्रिंटर केड़ा हैगा? लेज़र प्रिंटर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं।
नैक्सट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हैगा जी, एल सी डी का पूरा नाम की है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनते हो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, एल सी डी का पूरा नाम की हुंदा जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ, कंप्यूटर की मेमरी विच पए काम नूं विखाउंदा है। फिर तो रिपीट कर देने जी, कंप्यूटर की मेमरी विच पए काम नूं विखाउंदा है। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा मोनीटर, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन हैगा रैम, तो फोर्थ हैगा रोम। जी कंप्यूटर की मेमरी विच पए काम नूं कौन विखाउंदा है जी, वह विखाउंदा है मोनीटर। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनते हो तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करन जा रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क किस किस्म की मेमरी नाल संबंधित है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा जी बाहरी, सैकेंड ऑप्शन हैगा अंदरूनी, थर्ड ऑप्शन हैगा अस्थिर, तो फोर्थ हैगा जी ए ते बी दोवें। हाँ जी, आपां दसना है कि फ्लॉपी डिस्क किस किस्म की मेमरी नाल संबंधित हैगी है। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनते हो बाहरी तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, फ्लॉपी डिस्क किस किस्म की मेमरी हैगी जी, बाहरी। हाँ जी, अज की वीडियो इत्थे समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है, हैल्पफुल लगी है, तो वीडियो नू लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों के नाल शेयर जरूर करिया जी। हाँ जी, वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों के नाल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्हां थावां ते शेयर जरूर करिया करो जी। जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हो, तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो, ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से, उदों तक दे लई टेक केयर।